हेलो यूट्यूब, आप देख रहे हैं क्लासिक साइड स्टोर। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू और अनबॉक्स करेंगे टाइगर T10 रिजर्व V2 HDR265 डिजिटल सेटेलाइट रिसीवर को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम क्लासिक साइड स्टोर पर आने वाले व्यूवर और सब्सक्राइबर को खुश आमदीद कहता हूँ, और जितने भी दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या हमारे कॉन्टेंट को लाइक शेयर करते हैं तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, टाइगर का आज से 3-4 साल पहले मॉडल आया था T10 रेजर, उसके बाद T10 रेजर V2 आया, और अब जो मार्केट में मॉडल चल रहा है वो T10 रेजर V3 है। तो T10 रेजर जो है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये जो T10 रेजर V2 है ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, और तकरीबन 2022 के एंड पे या मिड में ये मार्केट में आया था। तो आज हम इसके बारे में रिव्यू करेंगे। हमारे पास भी बस चांदे के पीसेस मौजूद हैं। तो सबसे जो इसके मेन हाईलाइटेड फीचर हैं, एक तो आप देख सकते हैं कि बॉक्स के ऊपर भी मेंशन है, इसमें जो IR सेंसर है वो बिल्ट इन नहीं बल्कि आपको एक्सटर्नल यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। सिलावस के अंदर एक अदर रिमोट है, और ये डॉल्बी डिजिटल प्लस लिखा हुआ है, मतलब डॉल्बी ऑडियो सपोर्टेड है। और सबसे अच्छी जो चीज़ है, ये बिल्ट इन वाईफाई है और HDR265 सपोर्टेड है। तो बहुत कम ऐसे मिनी रिसीवर हैं जो कि लो प्राइस में हों और बिल्ट इन वाईफाई भी हों, डॉल्बी ऑडियो सपोर्टेड भी हों। तो ये तीनों फीचर जो हैं ये इस बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। तो चलें अब हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं हमें इसमें से क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये रिसीवर मिल जाता है, इसे हमें साइड पर रख देते हैं, बाद में हम इसे चेक करेंगे। हमें एक अदर ये टाइगर का रिमोट मिल जाता है, टाइगर के मिनी रिसीवर है या T20 V3 भी है तो उसमें भी इसी टाइप का रिमोट कंट्रोल आता है। तो ठीक है, नॉर्मल है। उसके अलावा ये एक अदर हमें पावर अडाप्टर मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक मिनी HDMI केबल, उसके अलावा एक अदद ये IR एक्सटर्नल IR सेंसर मिल जाते हैं, उसके अलावा ये ब्रैकेट मिल जाती है, ठीक है। इसकी मदद से आप रिसीवर को अगर चाहें तो LED के बैक साइड पे या वॉल के ऊपर माउंट कर सकते हैं। उसके अलावा ये दो दिन हमें AAA साइज बैटरी सेल मिल जाती हैं, ठीक है। और दो दिन हमें ये डबल साइड टेप मिल जाती है, ये वॉल ब्रैकेट के लिए और ये IR सेंसर को माउंट करने के लिए। अब हम इसके मैनुअल को देख लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्टेड मैनुअल दिया गया, ठीक है, जिसमें रिसीवर के बेसिक फंक्शन और इसको बेसिक इंस्टॉलेशन गाइडेंस जो है वो दी गई है, ठीक हो गया। तो अब हम इस STB को अनरैप कर लेते हैं। तो ये दोस्तों उसका कुछ टॉप है, टॉप में कुछ वेंटिलेशन स्लॉट दी गई हैं ताकि इसमें एयर का फ्लो इजीली हो सके और ये हीटअप वगैरह ना हो, ठीक है। और इसमें अगेन मेंशन करता चलूँ, कोई भी IR सेंसर नहीं है। अगर आप राइट साइड की बात करें तो एक अदद ये पोर्ट दिया गया हुआ है एडिशन टीना को प्लग इन करने के लिए, और एक अदद USB पोर्ट, एक अदद HDMI पोर्ट और एक अदद ऑडियो वीडियो पोर्ट दिया गया हुआ है, और ये वारंटी सील लगी हुई है। अगर ये सील डैमेज है तो आप जिससे भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, इवन आप हमसे भी कर रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट ना करें। लेफ्ट साइड पर अगर आप बात करें तो एक अदद हमें ये पोर्ट दिया हुआ है पावर अडाप्टर को प्लग इन करने के लिए, एक और एक्सटर्नल IR सेंसर को, और बिल्कुल राइट साइड पे ये RS232 का जो है
मेल टाइप जैक लगाने के लिए ये पोर्ट दिया गया। बॉटम पे बात करें तो HDMI की लेबलिंग हुई भी है और स्लॉट दी हुई है, लेकिन CA एम्बेडेड नहीं है, मतलब ये CA को कार्ड को रीड नहीं कर सकता। तो अगेन मैं मेंशन करता चलूँ, ये बॉक्स बिल्ट इन वाईफाई है, Dolby ऑडियो सपोर्टेड है और H.265 है, ठीक है। और सिर्फ एक इसमें आप ड्रॉबैक कह लें ये कि ये इसमें बिल्ट इन IR सेंसर नहीं है बल्कि एक्सटर्नल IR सेंसर है। तो अगेन इसकी प्राइस एज़ कम्पेयर टू अदर बॉक्सेस काफ़ी लो है, ठीक है, जो कि बिल्ट इन वाईफाई वाले और डॉल्बी वाले हैं। तो जस्ट फ्यू पीस हमारे पास पड़े हुए हैं क्योंकि मॉडल ऑलरेडी डिसकंटिन्यूड है। तो अगर कोई दोस्त मंगवाना चाहता है तो वो एडवांस पेमेंट और कैश ऑन डिलीवरी दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी के थोड़े से चार्जेस ज़्यादा होंगे। तो चलें अब हम इस बॉक्स को पावर ऑन कर लेते हैं और देखते हैं इसका यूज़र इंटरफेरेंस और बाकी फंक्शन किस तरह के। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।